आप जी ने कीर्तन का रस वैण लई मन की एकाग्रता बख्शनी। आओ जी लाओ समाधिया गुरु नानक दे रहमतों परे सागर विचों एक बड़ा गुरमत का प्यारा जय सुने प्यो देना प्यार तुल ना फुफी ना पितिए ताए माहित ना पो हेत न मामे मासी जाए प्यो देना प्यार तुल संसार है संसार विच अपनिया एक दूजे नाल रिश्तेदारियां आए दिन कोई ना कोई नवा रिश्ता जुड़ता रहता है। कुछ रिश्ते ऐसे होंदे ने जिहड़े गुरु की कृपा नाल आपां आप गंढदे हां ते कुछ रिश्ते ऐसे होंदे ने जिहड़े साडे रब ने बनाए ने जिवें साडी मां है इह रिश्ता आपां आप नहीं जोड़े हुण जिवें साडा प्यो है प्यो भी अपना किसी ने आप नहीं जुड़िया इन्हां रब दे बनाए हुए रिश्तियां विच कैसा निग ते कैसा प्यार कैसी तड़फ है सट किसी नूं लगदी है दर्द किसी दे हुंदा है भुख किसी नूं लगदी है आंदरां किसी दियां तड़फदियां ने। भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी च लिखिया है प्यो देना प्यार तुल ना फुफी न पितिए ताए भूआ चाचे ताए बेशक तेरे प्यो दे सके भैन भरा ने जिहड़ा प्यार तेरा प्यो तेरे नाल करदा है ना वो चाचे ताए नहीं कर सकते। माओ हेत ना पूजनी हेत न मामे मासी जाए मामे ते मासियां बेशक तेरी मां दियां सकियां भैणां ते सके भरा ने जिहड़े दुखड़े तेरी मां तेरे लई चल लैंदी है ना वो कोई होर नहीं चल सकता। अगली पंक्ति सुनिओ जी सूरज चंद पूजनी दीवे लख तारे चमकाए कोई लखां दीवे जगा देवे लखां जगदे दीवे सूरज दी रोशनी दा मुकाबला नहीं कर सकते। तेरे सारे रिश्तेदार कट्ठे हो जाण सारा कुटुंब कट्ठा हो जाए सारा संसार भी क्यों ना एकत्र हो जाए जिहड़ा प्यार तेरी अम्मा तेरा बापू तेरे नाल करदा है ना तेनू सारे संसार दी एकत्रता चो नहीं मिल सकता। ऐ दसरियां दे कीर्तन दा विषय है तुसां मनां दी एकाग्रता बनाउणी प्यो देना प्यार तुल प्यो देना प्यार तुल ना फुफी ना पितिए ताए माहित ना पूजनी हित ना मामे मासी जाए प्यो देना प्यार तुल माहित ना पूजनी।
कड़ियां जे खाए मूली पान पुटंतरा बस डिकार प्रगटी आए डिठे सबे ठोक बजाए प्यो देना प्यार तुल माहेत ना पूजनी सूरज चंद ना पूजनी दीवे लख तारे चमकाए सूरज चंद ना पूजनी दीवे लख तारे चमकाए डिठे सबे ठोक बजाए प्यो दिना प्यार तुल माहित ना पूजनी रंग मजीठ कुसुम्बरा सदा सथोई बेसुबटाए सतगुर तुलना मेहरवान मात पिता ना देव सवाए डिठे सबे ठोक बजाए प्यो देना प्यार तुल माहित ना पूजनी प्यार तुल ना फूफी ना पितिए ताए माहित ना पूजनी हित न मामे मासी दाए प्यो देना प्यार तुल माहित ना पूजनी प्यो देना प्यार तुल माहित ना पूजनी डिठे सबे ठोक बजाए डिठे सबे ठोक बजाए कहन लगे मैं सारे ठोक बजा के देखे ने मैं सारे चंगी तरह परखे ने जिड़ा प्यार अपने बापू ते अपनी मां कोलो मिलदा है ना ओ नहीं कितो मिलदा है एक राणी अपनी नौकराणी नू बुलांदी कहंदी ओ सामने बहुत सारे बच्चे खेड रहे ने विच मेरा पुत्र भी खेड रहा है उन्हें सवेर दा कुछ नहीं खादा ते जा उन्हों कुछ खवा के आ हुण सतसंगी है कोई इहो जिहा रिश्ता खुराक बच्चे ने नहीं खादी अंदरा मां दियां तड़फदियां रहिंदियां ने भी इह खांदा कुछ नहीं कहंदी उन्हें खादा कुछ नहीं सवेर दा नुकराणी कहंदी बच्चे ते बहुत खेडदे ने एने बच्चियां दी भीड़ विचों मैं तुहाडे पुत्र नूं किवें पहचानांगी किहड़ा है राणी कहंदी जिहड़ा सब तो सोहना है ना वो मेरा पुत्र है हां बई राजियां दे बच्चियां दी पोशाक भी बखरी ते पहचान भी बखरी राजे दे होए
पर नुकराणी दे नूं जा के भोजन खवांदी ए ओ एडा सोहना नहीं है। राणी तक लैंदी ए आ के डांटदी ए कहंदी ए सब तो सोहना है ਇਹ ਤੇ ਵੱਧ ਸੂਰਤ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਨੁਕਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, पुत्र किन्ना भी गरीब ते कंगाल क्यों ना होवे, मां कहंदी ये मेरा राजा बेटा है। कैसे रिश्ते ने, मापे किन्ने भी गरीब होण, प्यो सड़क ते रोड़ी कुट के ते मां लोकां दे झूठे भांडे मांज के सोचदी ये पुत्र मेरा अफसर बन जावे। बापू सड़क ते टोकरी ढोंदा ए, मां लोकां दे झूठे भांडे मांज दीए, सोचदे ने बच्चे नूं अफसर बना दईए। भाई गुरुदास जी ने चुकी कलम, उन्हां कुछ लिख दिता, ऐ गुरु नानक वे घर चुकण वालिया, एक गल मेरी ख्याल नाल सुन लवी, जे तू इना रिश्तियां दी कदर नहीं ना करेगा फिर गुरु नानक दे घर विच तेरी कीती हुई सेवा ते सिमरन थाए कोई नहीं पैणी। जे तू इना रिश्तियां दी कदर नहीं करेगा। लो बाणी विचों तुहानूं मैं कुछ पंक्तियां सुना रहा। मां प्यो परहार करीदा, बेईमान अज्ञान पुराणी, गुरु परमेश्वर सार न जानी, बेईमान अज्ञान पुराणी। इस पंक्ति की व्याख्या सुने होती, बार बहुत पुनदान करता है, गुरुद्वारे मंदिर विच बड़ी सेवा करता है, चौंक विच शवील भी ला लैंदा है, पर अपने मां बाप नूं कदी पानी दा घुट नहीं पलांदा। लोग तेनू कहंदे होणगे तू दानी है, गुरु दियां नजरां विच तू बेईमान है। लोग तेनू कहना बड़ा दानी है, पर गुरु नानक की नजर च तू बेईमान है। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। मां प्यो पर हर सुने वेद, वेद मन जाने कथा कहानी, मां प्यो दा दिल दुखा के ते गुरुद्वारे मंदिर विच जाके रब दियां गल्लां सुनदा है। ओ तैनू रब दियां गल्लां दा की भेद, रब तेरे नाल उदों ही रुस गया सी जदों तू बापू अगे बोल कबोल बोलदा सी। रब तेरे नाल उदों ही रुस गया सी जदों तू मां दा दिल दुखांदा सी। कदी इस पौड़ी नूं पढ़ो, इस पौड़ी दियां बहुत सारियां पंक्तियां ने, मैं तुहानूं संखेप भी सुना देवां। जे आपां अपने बजुर्गां दा सत्कार नहीं करदे, अपने माता पिता दा आदर माण नहीं करदे, आ किते एक दो दिन दियां झाकियां होईयां रातां नहीं, किते चाली इकताली दिनां दा कीता होया नितनेम ते टेके होए मत्थे नहीं। भाई गुरदास जी कहिंदे जे तू अपने बजुर्गां दा आदर नहीं करदा
लखां वरियां दी बंदगी ते अठ सठ तीर्थ नाते भी तेरे किसी लेखे विच नहीं है। मां पियो परहार करे तप बण खंड पूला फिरे विवारणी गुर परमेश्वर सार न जानी बेईमान अज्ञान पराणी सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जपो सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सत सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सत तारे चमकाए कैसियां पंक्तियां ने कहंदे उन्हां कोलो पुछ जिन्हां कोल मां नहीं है जिन्हां कोल प्यो नहीं है सूरज चंदन पूजनी दीवे लख तारे चमकाए रिश्ते ते सारे बहुत प्यार करदे ने सब दी बड़ी नेड़ता है वो जिवें लखां जगदे सूरज दी रोशनी दा मुकाबला नहीं ना कर सकते रिश्ते ते सारे प्यार देंदे ने पर कोई दूजी मां ते दूजा प्यो नहीं हो सकता कोई दूसरी मां थोड़ी हो सकती है। बेशक अज एक कुरैत घर घर विच है पर इस बाणी विच बड़ी शक्ति है जिहड़ा शरदा ते प्यार नाल सुन लैंदा है इस घर दी मर्यादा है दुख पर हर सुख कर लै जाए ऐ दुख ते कलेश एथे रह जांदे ने सुख घरां नूं जांदे ने। अज आपां की देखते हाँ जे बजुर्गां दी चेहरे दी दिख नहीं चंगी जे बजुर्गां दी परसनैलिटी नहीं अज दे बच्चे अपने बजुर्गां दे नाल टुरन लग्यां भी शर्माते हैं। जे बजुर्गां दी परसनैलिटी नहीं बच्चे अपने मित्रां नूं दसदे नहीं भी यह मेरी माँ है यह मेरा प्यो है। एक बड़ी प्यारी दी बात अक्सर मैं संगत विच सुनांदा हां तुसी प्यार नाल सुनियो बाणी दी करामात है। दासरी इसे तरह सिंगापुर कीर्तन कर रहे सन एक नौजवान बच्चा बड़े प्यार नाल कीर्तन सुन रहा सी कहण लगा भाई साहब जी मैनू कीर्तन विचों इंज लगा है जिवें मैं अपनी मां नाल बड़ा धोखा कीता होवे। कहिंदा मैनूं कीर्तन चो लगा है सुने कोई बाणी ख्याल नाल असीं कई वारी अवेसले हो के बैठे रहिंदे हां ऐसे अणियाले तीर ने गुनाहां नूं धो देंदे ने जिहड़ी उहने गल सुनाई ओह हिरदे नूं टुंबण वाली सी
ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੰਧੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਲੜਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਕਿਉਂ ਆਨੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਮਾਂ ਜੋ ਹੋਈ। ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਆਨੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੰਧੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੀਏ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਗਰੀਬਣੀ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਗਈ ਨਾ ਘਰ, ਨੌ ਘਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੌ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਖ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਓ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਮੇ ਸਾਈਂ ਵਸਾਰਿਆ, ਵਿਆਹਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਟੋਰ ਦਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਦੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। 10 ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ, ਮਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ
मां ते तेरी तेन बहुत उड़ीक दी सी। उते हर सा दे नाल दरवाजे वल चाता मार दी सी, तू ही लेट हो गया, तू ही लेट हो गया है। पता नहीं तेरिया उड़ीकां दे विच आ कागज दे टुकड़े ते की लिखी जांदी सी, तू आपे पढ़ लै। हुण मां दा हिरदा पढ़िओ जी, इन्हां रिश्तियां दी बाणी विच एवें एडी सोभा नहीं कीती। मां लिख गई, पुत्र ये जमीन जायदाद सब तेरा है, तू इसका मालक है। अगे जिहड़ी बात मां ने लिखी उह ते कपुत्र दा वी हिरदा कंब गया। मां लिख दी है, पुत्र याद कर जदों तू छोटा सी, तू बीमार हो गया सी ते बीमारी नाल तेरी एक अख खराब हो गई सी। मैं अपनी एक अख तैनू दित्ती सी, अख ते तेरी खराब हो गई सी। मैं अपने चेहरे की खूबसूरती खराब करके तेरी दिख ते चंगी बना दिती, पर तू मैनू पुत्र बन के कोई ना दिखाया। मैं ते अपने चेहरे की खूबसूरती भी खराब कर ली। सच्ची प्यारे, कभी बच्चों ते कोई मुसीबत आ जावे ना, कोई दो दिन, कोई चार दिन, पंद्रह दिन कोई गेड़े मारेगा, एक मां ते एक प्यो सदा खलोते रहते ने। हर एक अंग अपना बच्चों नू देण वास्ते तैयार रहते ने। ऐ मेरे रब्बा, जिनू तू मां ते प्यो बनांदा है, उनू बच्चों प्रति जिगरा भी अपने वाला देता है। बच्चे किन्निया भी भुला करन, मापे सब कुछ भुला देते। अगे लिख गई, पुत्र तू प्यार नहीं ना दिता, ना झूरी जाई, तेरी कोई भुल नहीं है, भुला सारिया मेरिया ही ने। एवें बाबा जी ने बाणी विच इन्हां रिश्तियां दी सिफत नहीं कीती। कैसा जिगरा मां ते प्यो कोल हुंदा है। भुल्लां मेरियां ने केड़ियां, वो कहिंदी मैं सोचदी हां, रब ने मैनू दो अखां दित्तियां, एक चंगी ते एक मंदी, जिहड़ी मंदी अख सी मैं तैनू दे बैठी, तैनू आखी माड़ी दे दित्ती, चंगी रह गई मेरे कोल जिहड़ी तैनू हर वेले उड़ीकदी रहिंदी। जिउंदी सी ओ मां सी मेरी, मर के मेरा रब हो गई, पता नहीं दिल दे कबर दे अंदर किन्नी डूंगी दब हो गई। ये ते उदाहरणा ने ना। हुण मैं तुहानू भाई गुरदास जी दी अगली पौड़ी सुनाण लगा। प्रातन समयां विच लोक इस तरह असीस देंदे सी वी तेरे बच्चे सरवण बच्चे हो। बजुर्ग इस तरह असीसा देंदे सन, पर भाई गुरदास जी ने कुछ होर लिखिया है। वो कहिंदे हो बे सरवण बिरला कोई, अपने आस पास झात मारो किन्ने एक सरवण पुत्र ने, इत्थे एक बापू एक मां पंज सत बच्चियां नू सांभ लैंदी है, ते पंज सत जवान बच्चे रल के एक मां नू नहीं सांभदे। छोटे हुंदे कहंदे सी मां मेरी ये मां मेरी ये, ते जदो बड़े हो गए ना कहन लगे मां तेरी ये तू सांभ ले हुण बाल। कहंदे सरवण दी गल कर दे, सरवण दे मां प्यो अन्ने ने, ते अन्ने मां बाप नू मोढ़ियां ते चुकी फिरदा है। ऐ मेरी मां, तू मेरा बचपन चुकदी रही है, मैं तेरा बुढ़ापा चुक लवांगा। ऐ बापू, तू मैनू उंगल फड़ के टुरना सिखाया है, तू मेरे मोढ़िया ते हाथ रख, तू हुण मेरिया अखां नाल देखिया कर। पुत्र दियां अखां मां बाप का सहारा बन जान, कोई बिरला ही सरवण हुंदा है।
हो बे सरवण बिरला कोई, बिरला कोई, बिरला कोई। हो बे सरवण बिरला कोई, बिरला कोई। हो बे सरवण बिरला कोई, बिरला कोई, बिरला कोई, बिरला कोई, बिरला कोई। हो बे सरवण बिरला कोई, बिरला कोई। माता पिता आनंद बीच पुत्ते दी कुड़माई होई, रहसी अंग नामावई, गावे सोहले सुख सोई। हो बे सरवण बिरला कोई, बिरला कोई। हो बे सरवण बिरला कोई, बिरला कोई। बिकसी पूत बेआईए कोड़ी लावा बाबू बलोई, सुखा सुखे माँ बड़ी पुत नौदा मेले अलोई। हो बे सरवण बिरला कोई, बिरला कोई। हो बे सरवण बिरला कोई, बिरला कोई, बिरला कोई, बिरला कोई, बिरला कोई। हो बे सरवण बिरला कोई, बिरला कोई। नौनित कांत तो मत दे तेरे हो वे सस बिगो, लखी उपकार विसार के पुत कपूत चक्की उठ जोई। हो बे सरवण बिरला कोई, बिरला कोई। Thank you.
बिरला कोई, बिरला कोई हो बे सरवण बिरला कोई, बिरला कोई, बिरला कोई, बिरला कोई, बिरला कोई। नौनित कांत कमत दे बेरे हो वे सस विगो। भाई गुरु इकबाल सिंह दी महापुरश संगत विच आ गए ने। माता विपन प्रीत कौर दी जियो आया। दो तीन मिनट और आखरी पंक्ति सुना के मैं फिर कीर्तन दी समाप्ति करांगा। सुनियो जी, भाई गुरुदास जी कैसा स्नेहा अपनी बाणी अंदर दे रहे ने। नौनित कांत कमत दे बेरे हो वे सस विगोई। ऐ मेरे रब्बा, कदे भी धी पुत्र मापिया का दिल ना दुखावे। बहुत रीझां होंदियां ने, बड़े सुपने समोए होंदे ने। जदों बच्चे मापिया का दिल दुखांदे ने, सारियां रीझां ते सदरां टुट जांदियां ने। आ तुसीं शब्द विच ये कुछ सुनिया है, कहिंदे माता पिता आनंद विच पुत्ते दी कड़माई होई। माँ प्यो नू चाह चढ़िया पिया है कि पुत्र दी कड़माई हो गई है। फिर सोच विचार के ब्याह दा दिन रखिया, फिर उड़ीकां कीतियां बच्चियां वर्गी नौ आ जाएगी। ते आखरी पंक्ति विच कहिंदे नौ ते सस नू बीड़े विच बैठिया वेख के सहारदी नहीं है। पुत्र कुपुत्र हो गया है, लख उपकार विसार के पुत कपूत चकी उठ जोई। वो कहिंदा तुसी मेरे लिए की कीता है। भाई वीर सिंह होरी जिन्हां अपना सिख इतिहास लिखिया है, जदों इस विषय ते लिखदे ने ना, वो कहिंदे है मेरे रब्बा, जदों जवान धी पुत्र मापिया नूं इह आखे कि तुसी मेरे लिए की कीता है, जदों जवान धी पुत्र मापियां दियां जड़ां कटण लग पवे, उदों तेरा भी दिल रोंदा होवेगा, उदों तेरा भी दिल दुखदा होवेगा। उन्हां बड़ी प्यारी उदाहरण दित्ती। एक मनुख ने कुहाड़ा चुकया है ते उह दरख्त नूं कटण लगा है। उन्हें जदों मारिया ना कुहाड़ा दरखत दे, ते दरखत कुहाड़े वाले नाल गल करदा है, कहिंदा ओए मैं ते तैनू अपनी शां थले पा लिया है, तू मैनू क्यों कटण लगा है। तैनू ठंडी ठंडी शां दित्ती, तैनू खाण वास्ते मिठे मिठे फल दित्ते, मैनू तेरे चंद्रे सुभा दा वी पता सी। दो ढाई फुट जगह लई उतां नूं बद गया, दस बारह फुट तैनू शां कर दित्ती। हुण कोई पुत्र कपुत्र हो जाए ना ते मापे इंजी कहिंदे ने, पुत्रा सारी जिंदगी तेरे लिए दौड़ भज कीती है ते तैनू ही दे जाना है। पर जिहड़े कपुत्र हुंदे ने फिर भी मापियां दीआं जड़ां कट्टदे ने, कहिंदा ख्याल करी जे फिर भी तू मैनू कट देवेगा, मेरे तो बगैर तैनू शां किसे ने नहीं करनी, तू धुप नाल सड़ के मर जाएगा। पिपलां बोड़ां दी शां नालों ठंडड़ी दई एक शां हुंदी ए, रब भी ठीक है अपनी थां में मां ते आखर मां हुंदी ए। जेड़ी शां अपने बापू ते अपनी मां दी है, वो कोई होर नहीं दे सकता। आखरी बचन,
मां प्यार के पलोस के बच्चे नू समझा लेंदी है ते बापू कदी कदी गुस्से विच आया चंड भी मार देता है पर वो दिलों नहीं कटता है ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਮਿਆਰ ਵੱਲ ਤੱਕੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਕਮਿਆਰ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਤੋਂ ਲਾਂਦਾ ਏ ਅੰਦਰ ਗੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਤੋੜਨਾ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਠਟਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਇਸ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਬ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਹਾਂ ਓਏ ਜੇ ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਚੰਡ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਏ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਆਖਰੀ ਪੰਗਤੀ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਨੋ ਨਿਤ ਕਾਂਤ ਕਮਤ ਬੇਰੇ ਹੋ ਸੱਸ ਵਿਗੋਈ ਲੱਖੀ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤ ਕਪੂਤ ਚੱਕੀ ਉੱਠ ਜੋਈ ਹੋਵੇ ਸਰਵਣ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਸਰਵਣ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ ਸਰਵਣ ਬਿਰਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਲੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜੂ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
धन्यवाद है। असीस बख्शियो, प्यार सहित फतेह बुलायो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।